हेलो भाई लोग, कैसन बा। जैसा कि आप लोगों ने मेरा इंट्रो देख लिया तो आपको पता चल ही चुका है कि मैं चला रहा हूँ हीरो एक्सट्रीम बाइक। और ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लग रही है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी मैं और मेरे तीन और दोस्त जा रहे हैं साथ में मनेर शरीफ, जो कि है पटना से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो अभी मैं पहुंच गया हूं दीघा। और आप जो ये सामने ब्रिज देख रहे हो, ये है एम्स दीघा ब्रिज, जो बिहार का सबसे लंबा ब्रिज है। आपको बता दूं कि इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। वाव, क्या बात है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस पे एक व्लॉग बनाया जाए, जिसपे मैं दिखाऊं ने भी पटना के ब्रिज है, उस पर मैं अपनी बाइक दौड़ाते हुए देखूंगा कि हाँ मतलब ब्रिज कैसा है, ब्रिज के बारे में बताऊंगा, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, ये सारी कुछ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पटना के ब्रिज के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपको पसंद है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे आपकी रूह फड़फड़ाने लगेगी, आपकी रूह आपसे चीख चीख कर बोलेगी नो, गॉड प्लीज नो, नो। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अब मनेर शरीफ, और अब चलते हैं दरगाह। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है, लेट्स गो। काम देखने योग्य है, इसे मुगल सम्राट जहांगीर के बिहार प्रांत के शासक इब्राहिम खाने मखदूम शाह दौलत की कब्र पर। यार ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो आता ही नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है जल्दी बता। इसका नाम है हरीश, और इसके बारे में आपको क्या इंट्रोडक्शन दूं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा पहला व्लॉग जरूर देखें, यहां क्लिक करें। यहां लिखा हुआ है 1600 ये जो तूने देखा ना भाई, मतलब तू क्या चाहता था, तू खुद अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था, तो कर ले, तू कर ले भाई अपना इंट्रोडक्शन, तू कर ले। ये क्या हिंदी में बता बता बता। 1608 है, 1608 में हिंदी नहीं आता भाई। मखदूम शाह दौलत की मृत्यु 1608 में मनेर शरीफ में हुई, और ये बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान काकर ने उनका एक मकबरा बनवाया जो 1616 में पूरा हुआ था, और इसकी छत कुरान से निकली है। मनेर शरीफ सीखने का एक केंद्र था और जहां संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया गया था। क्या
100 ग्राम। ले लिए भाई फोटो क्या? हाँ हाँ, तू उधर खड़ा जा विकी। अब दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़ो, एक दूजे के लिए। सो कैसा लगा आपको हमारा यहाँ तक का वीडियो? और दरगाह हम लोग घूम लिए, काफ़ी मज़ा आया। जो कुछ भी मुझे दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अब हम लोग जा रहे हैं मनेर स्वीट्स, वहाँ का लड्डू है बहुत ही फेमस, मनेर का लड्डू जो कि बहुत ही फेमस है, वो हम लोग खाने जा रहे हैं और भूख भी लगा हुआ है, तो खा के फिर वहाँ से हम लोग वापस घर। थैंक यू। कड़े ये सारे के सारे प्लेट ये खाएगा, ये इंसान। अब एक और आ गया तेरे लिए। फिल्म बना रहे हैं। हाँ, वही हीरो है। हमको कैमरा भी बना दिया। रोबोट ठेला वाला। रोबोट ठेला वाला। हीरा हुआ ठेला वाले की शूटिंग देखते हुए। बहुत टेस्टी है। अगर मनेर आओ तो मनेर स्वीट्स में आके मनेर का लड्डू जरूर खाओ। दूसरों की बातों में ना आए, आए तभी आएंगे। दोस्तों इसकी बातों में ना आए, खाएं तभी आएंगे। मैं तो यही बोल रहा था कि आप लोग यहाँ आओ और खाओ, बहुत अच्छा है। मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ कि बहुत टेस्टी है। हाँ, कोई टिप्पणी दो। वहाँ चेहरा नहीं आ रहा है, संक्षेप में बताइए। मेरा एक फ्रेंड है, वो इस वीडियो में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो वीडियो में आ गया तो उसकी शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी। सो हमारा सफ़र इस वीडियो में बस यहीं तक था। अब मैं एक लास्ट क्लिप लगा रहा हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, और जिसमें मैं हयाभूषा बाइक चला रहा हूँ। एंजॉय करो आप देख के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।